वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। कोरोना से जंग, लॉकडाउन एक अरसे से जारी है। लॉकडाउन 4.0 अपने अंतिम पड़ाव पर है, लोग परेशान हैं। शासन, पुलिस प्रशासन लोगों की मदद करने में लगा है। पुलिस कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खुलेआम सड़क पर फायरिंग, तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें थाना दौड़ाला क्षेत्र की हैं, जहां सड़क पर खुलेआम तमंचे लहराकर फायरिंग करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होते ही मेरठ पुलिस फौरन हरकत में आ गई और इन शौकीन मिजाजों की गिरफ्तारी की है। न केवल गिरफ्तारी की है, बल्कि पूरी चेन को शिकंजे में कसने की ठान ली है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें युवक खुलेआम सड़क पर बिना खौफ के, बिना परवाह के फायरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने अपनी चौकसी सतर्कता से लगभग 3 घंटे के भीतर अभियुक्त एक छोटू उर्फ नितिन पुत्र किशनपाल, ग्राम बहादुरगढ़ थाना दौराला, अंकित पुत्र अमरीश उर्फ लीलू निवासी उपरोक्त, शोकेंद्र पुत्र अज्ञात निवासी साधुओं को थाना दौराला ने गिरफ्तार किया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। सर, थाना दौराला का फायरिंग का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है सर? एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक फायरिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो संज्ञान में आया, इस पे तत्काल थाना दौराला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए, पहचान कराते हुए 3 अभियुक्तों, जिसमें छोटू, अंकित और शौकेंद्र नाम के 3 हैं इसमें फायरिंग करने वाले, इनकी गिरफ्तारी की गई है। अन्य जो उसमें सम्मिलित हैं, उनकी गिरफ्तारी का लगातार प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इसमें जितने भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई विधि के अनुसार की जाए। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।